Welcome back to the other 167. I'm Vandana and I bring you greetings in the mighty name of Jesus Christ, our true living God. प्रार्थना करते रहिए एक दूसरे के लिए, अपने लिए, वचन सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और एक दूसरे के साथ बांटते रहिए। तो हमारे इस नीति वचन की श्रृंखला में एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नीति वचन अध्याय 6। ये भी बहुत प्यारा चैप्टर है, हमें सिखाता है किस तरह से हमें आलस को छोड़ देना चाहिए, इंतुजियाज्म अपने जीवन में लाना चाहिए। एग्जाम्पल है बहुत प्यारा चींटियों का और भी बहुत सारी एडवाइसेस, वार्निंग्स दी गई हैं। तो चलिए सुनते हैं नीति वचन अध्याय 6। नीति वचन अध्याय 6। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा, उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू न तो अपनी आँखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, वो नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं, वो लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वो पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वो तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसें? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है,
वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वो पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वो निरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसके नाम धराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वो घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे दे तो भी वो ना मानेगा। प्रभु के पढ़े जाने पर आशीष होवे, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस चैप्टर को बड़ी ईमानदारी से, प्यार से, मोहब्बत से सुना और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग जान पाए कि हमें अपना जीवन किस तरह से प्रभु की राह में जीना चाहिए। आगे भी आगे के एपिसोड्स लाती रहूंगी, चैनल से जुड़े रहिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ भेजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो भी कनेक्ट कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड टू द अदर 167। मे गॉड ब्लेस यू।